तो हम लोग स्तूप का अध्ययन कर रहे हैं लगातार। हमने आपको स्तूप के बारे में बताया था। स्तूप एक संस्कृत भाषा का शब्द है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये पाली भाषा नहीं है बल्कि संस्कृत भाषा का शब्द है। पाली में इसको थूप कहते हैं। क्या बोलते हैं? थूप। हम बता चुके हैं आपको, नई चीज नहीं बताना है। थूक मत कह दीजिएगा, थूप। पा तो हमने आपको बताया था कि जो पुराने जो बुद्धिस्ट जो बुद्ध थे उनके अवशेषों को 8 लोगों में झगड़ा हो गया था कि ये उनकी मृत्यु के बाद। कब मरे थे भगवान बुद्ध? किस तारीख में? इनका जन्म 563 CE में हुआ था, इनकी मृत्यु 483 CE में हुई थी। याद रखना है आपको, अर्ली लाइफ ऑफ बुद्ध आप समझ लीजिए। जन्म 563 CE में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 483 CE में। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो कि शाक्य गण के राजा थे, सब बता चुके हैं। माता का नाम माया था जो कि कोलीय राजकुमारी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये इनके अर्ली लाइफ है, आपको याद रखना चाहिए। कभी अगर पूछा जाए तो अपने उत्तर में ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट जरूर कीजिएगा। 563 में लुम्बिनी में पैदा हुए थे, कपिल वस्तु की राजधानी हुआ करती थी लुम्बिनी। और इनका जो गण था, बहुत सारी फैमिलीज थी वहां पे कपिल वस्तु में, उसमें से एक फैमिली थी जिसको हम लोग शाक्य बोलते थे, शाक्य गण। ओलिगार्की हमने आपको बताया था, शाक्य गण था, शाक्य के राजकुमार थे। माता का नाम माया था, बचपन में ही जब छोटे थे बुद्ध तब इनकी मृत्यु हो गई थी। हमने आपको बताया था इन्होंने एक सपना देखा था, एक व्हाइट कलर का एलिफेंट देखा था, इसलिए एलिफेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके स्कल्पचर में भी, इनकी मूर्तियों में भी और इनके साहित्य में भी बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। किसको? एलिफेंट को, क्योंकि एलिफेंट इनके बुद्ध के बचपन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये पेट पे थे तो उनको किसी सपना आया था माँ को इनके एलिफेंट का, तो उसको जब डिस्क्राइब कराया गया किसी सन्यासी से, किसी ज्योतिषी से, तो उसने कहा कि भाई या तो लड़का बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा। तो पिताजी बड़े उदास हो गए, उन्होंने महल में बंद कर दिया। कहानी आपको पता है, उनका कहा महल में रहिए और यहाँ से कहीं बाहर मत जाइए ताकि आपको जो है जो सांसारिक सुख है, जो भौतिक सुख है, जो विषय के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो बनी रहे। विषय का मतलब होता है जो मैटेरियलिज्म है, उसके प्रति जो आपकी आसक्ति है वो बनी रहे। आसक्ति मतलब प्रेम, और आप इससे विमुख ना हो, मतलब इससे दूर ना जाए, मतलब संसार को छोड़े ना और संसार में ही रह करके और राजा बने, भिक्षुक ना बन जाए या सन्यासी ना बन जाए। सिद्धार्थ 15-16 साल तक अपना आराम से 19-20 साल तक रहे महल में, एंजॉय किया उन्होंने। एक बार जब उन्होंने 3 लोगों को देखा, जो कि एक ओल्ड व्यक्ति था, एक वृद्ध व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, एक शव को देखा उन्होंने, एक बड़े ही खुश सन्यासी को देखा, तो उनके जीवन में सत्य जानने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने ये अपने आप से पूछा कि आखिर सत्य क्या होता है। उन्होंने कहा जो पिताजी कह रहे हो तो सत्य नहीं है। सत्य की खोज, ज्ञान की खोज, क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट यहां से शुरू होता है। उनको ये पहली बार जीवन में यह आभास हुआ कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा, या लोग बूढ़े भी होते हैं, लोग बीमार भी होते हैं, लोगों की मृत्यु भी होती है। उन्होंने कहा ये सब लोग दुखी है, दुनिया में सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने केवल एक ही व्यक्ति को खुश देखा जिसके पास कुछ नहीं था, भिखारी था, वो बड़ा ही एंजॉयफुल लाइफ जी रहा था और हंसता खेलता चला जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे यही बनना है, मुझे भिक्षु बनना है। अब मैंने आपको बताया था, एक दिन जब प्रोग्राम चल रहा था महल में, तो प्रोग्राम उनका पुत्र राहुल पैदा हुआ था, उसके लिए बड़ा रास रंग का कार्यक्रम रखा गया था। यशोधरा को संतान हुई थी उनकी पत्नी को। उन्होंने जब सुबह वो उठे, उनकी नींद जल्दी खुल गई, तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी कि उसमें उन्होंने लोगों की कुरूपता को देखा। उन्होंने कहा कि ये सब तो जो ये सौंदर्य है जिसको आदमी सौंदर्य कहता है वो वास्तविक सौंदर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर सौंदर्य होता क्या है, इस जीवन का सत्य क्या है। इस तरह के तमाम प्रश्न उनके मन में उठने लगे और उन्हीं प्रश्नों को जानने के लिए उन्होंने 29 साल की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया। He left his home at the age of 29। उनके घर छोड़ने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको पाली साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड महाभिनिष्क्रमण आए तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है घर का त्याग कर देना। बुद्ध ने ज्ञान की खोज के लिए जब घर का त्याग किया, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को पाली साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो 2 टीचर से मिले कर मैंने आपको बताया था, जब भी प्रीवियस लेक्चर लिया था, कि एक का नाम अलार कलाम था, एक का नाम रुद्रक रामपुत्र था। जो अलार कलाम थे, ये सांख्य दर्शन
बहुत तरह का दर्शन होता है, उसमें से एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के बहुत विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, और दूसरे रुद्रक रामपुत्र थे जो कि योगा के बहुत बड़े टीचर थे। इन दोनों से जाकर के वो मिले, इनके बताए रास्तों पर चले, अलार कलाम उनको खुश नहीं कर पाए। फिर वो रुद्रक रामपुत्र के पास गए। रुद्रक रामपुत्र ने कहा, भैया खूब तपस्या करो, तो अपना शरीर गलाओ और भूखे रहो, ये करो वो करो, खूब योगा करो और तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उनको वहां भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यार ये तो जहां मैं मर जाऊंगा, इतना ज्यादा हमको अगर भूखा रखेंगे तो बार बार तो मुझे भोजन का चिंतन होता है। आप सोचिए, जब आपको आप व्रत रखते हैं महाशिवरात्रि में, नवरात्र में, तो आपको शाम का इंतजार रहता है, जल्दी से शाम आए और फलाहार करें हम, और भूख के मारे जान निकली रहती है। तो भगवान के प्रति चिंतन से ज्यादा क्या चिंतन हो जाता है, खाने के प्रति चिंतन हो जाता है। तो माता बुद्ध ने कहा कि ये तो कुछ मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा, मैं तो हमेशा मेरा ध्यान किस चीज पर है, अपने शरीर पर है, उसके दुख पर है, उसके कष्ट पर है, तो आखिर ज्ञान क्या होता है। उसके लिए फिर वो बोधगया चले गए बिहार में, और एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने खूब तपस्या की, और जब तपस्या की तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनको बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का मतलब अब उनको बुद्धि आ गई है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। और उनका जो क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट था, यानी कि जो सत्य की खोज और ज्ञान के लिए जो उनका उनकी जो खोज थी वो पूरी हुई। उसमें उनको एक थ्योरी का ज्ञान हुआ जिसको प्रतीति समुत्पाद कहते हैं। हमने आपको बताया था जो प्रतीति समुत्पाद है, ये कथन और कारण के सिद्धांत पर आधारित है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो किसी ना किसी कारण से है, उनका बगैर कारण के कुछ नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था कि आगे चल करके रिलेटिविटी की थ्योरी सी पर दी गई, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया गया। और ये सिद्धांत पर सबसे पहले काम किसने कर लिया था, बुद्ध ने कर लिया था दर्शन के आधार पर। विज्ञान और दर्शन का अपना एक बड़ा इंटर रिलेशनशिप है। पहले थॉट्स आते हैं, थॉट्स दार्शनिक देता है, उन्हीं थॉट्स को आगे कौन ले जाता है, साइंटिस्ट ले जाता है। बिना दर्शन के कोई भी विज्ञान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बुद्ध एक दार्शनिक थे, उन्होंने एक रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया, प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब से देख रहा हूं, कोई आदमी मुझे वृद्ध दिख रहा है, कोई दुखी दिख रहा है, कोई आदमी सुखी नहीं दिख रहा है। आज मैं भी दुखी हूं, मेरे भी गले में तकलीफ है, 3 दिन से हल्का सा फीवर है, डर लग गया था कहीं कोरोना ना हो गया, कल तो जांच वाँच कराई सब ठीक था। तो दुख है हर आदमी के जीवन में। दुख का मतलब क्या है, हर आदमी कष्ट में है। उन्होंने कहा इस दुख का कुछ कारण है। उन्होंने कहा कि हर चीज का कारण होता है। उन्होंने कहा दुख है और दुख का क्या है, कारण है। उन्होंने कहा कारण है तृष्णा, और अगर दूर करना है अपने दुख को अपने आप से, तो जो आपकी चाह है, जो आपका ईगो है, जो आपका दंभ है, जो आपकी तृष्णा है, लालच है, जो आपकी हर चीज को पाने की चाहत है, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ेंगे कैसे, उसको छोड़ने के लिए आपको थ्योरी ऑफ प्रतीति समुत्पाद को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से बुद्ध की पूरी फिलॉसफी है, उन्होंने पूरा दर्शन दिया। पावा में उनकी मृत्यु हो गई, जो कि मल्लों की राजधानी हुआ करती थी। 40 साल की अवस्था में उनकी डेथ हो गई, और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो बॉडी रिमेन्स थे, उनके जो शरीर के अवशेष थे, उन शरीर के अवशेषों को लेकर के 8 लोगों के बीच में संघर्ष हो गया। 8 लोग कुछ गणतंत्र थे और कुछ राजतंत्र थे। उदाहरण के लिए पावा, कपिलवस्तु, वैशाली, अलकप, रामगाम, ये जो कोलिया राजकुमारी थी माया, इनकी जो माँ थी वो रामगाम के रहने वाली थी, रामगाम के कोलिया। तो कोलिया वहां के शासक थे, वैसे अलकप में बुली लोग शासन करते थे, उनको अलकप के बुली कहा जाता था। मगध में आपको मालूम है मौर्य वंश का शासक हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग रोगों ने, पावा ने, मगध ने, कपिलवस्तु ने, वैशाली ने, अलकप ने, रामगाम ने, वेठ द्वीप ने, पिप्पली वन ने, इन तमाम लोगों ने बुद्ध के जो अवशेष थे उनके ऊपर दावा प्रस्तुत किया। अब सबको तो अब लड़ाई झगड़ा बचाने के लिए इसको 8 भागों में बांट दिया गया, बोला बुद्ध सबके हैं, अब इनको ले जाइए। और ले जाकर के उन 8ों लोगों ने उनका स्तूप बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि स्तूप बना कैसे। तो स्तूप की संकल्पना है वो बुद्ध के समय से नहीं शुरू हुई कि बुद्ध ने कोई नया नाम ले लिया हो स्तूप का। ये संकल्पना हमारी ऋग्वेदा से आती है। ऋग्वेदा में चिता शब्द का उल्लेख है, और इसी चिता से चैत्य आता है। चैत्य का मतलब जहां पर जो शव है उनका क्रिया कर्म किया जाता हो, और इन्हीं चैत्य से आगे चल करके स्तूप आ गया। स्तूप का मतलब हुआ थुआ, थुआ का मतलब ढेर, जहां पर किसी के अवशेषों को गाड़ दिया जाता हो, उस थुहे को, उस ढेर को हम क्या बोल देते हैं, स्तूप बोल देते हैं। चूंकि इसमें भगवान बुद्ध का थुआ है, उनके अवशेष इस थुहे में, इसलिए वो पवित्र हो गया।
अब सवाल ये उठा कि उनके जो अनुयायी थे उन्होंने स्तूप को क्यों बनाया। उस समय तक तो स्तूप का चलन था नहीं, उस समय तक तो क्या होता था, लोगों को जला दिया जाता था, तो स्तूप बनाने की क्या जरूरत थी, मंदिर के कंसेप्ट भी नहीं था उस समय तक, तो आखिर स्तूप क्यों बनाया गया। तो स्तूप की जो संकल्पना है बुद्ध के पहले की संकल्पना है, जिसको बुद्ध ने पॉपुलर बना दिया था। कैसे पॉपुलर बना उसके लिए कहानी है। पहले तो हम लोग ये समझ लें कि एक किताब है जिसको हम लोग अशोकावदान कहते हैं, जो कि पाली भाषा में लिखी गई किताब है, और एक बुद्ध साहित्य है। इसमें सम्राट अशोक ने अपने लोगों को ये आज्ञा दी कि भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं या जो उनके प्रयोग की गई वस्तुएं हैं, उदाहरण के लिए उनकी चप्पल, उनके कपड़े, उनका कुछ भी, उसको पूरे साम्राज्य में ले जाइए और ले जा करके उसको गाड़ी उगाड़ करके स्तूप बनाइए। तो हम ये देख रहे हैं कि अशोका के पीरियड में भारी संख्या में क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए। लेकिन स्तूप अशोका के पहले भी बनाए गए, 8 भागों में बांटा गया था, 8 स्तूप तो बन ही गए थे। लेकिन अशोका ने बहुत उत्साह के साथ जो है स्तूपों का निर्माण कराया। क्यों कराया था? वो बौद्ध धर्म से प्रभावित था, बौद्ध धर्म से प्रभावित। उसने धम्मा में भी जो धम्म की नीति अपनाई, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उस धम्म की नीति में बहुत कुछ बुद्ध धर्म से प्रभावित था, लेकिन वो पूरा का पूरा बुद्ध धर्म नहीं था। बहुत सी चीजें थी जो उसमें बुद्ध धर्म से ली गई थी, बौद्ध धर्म से ली गई थी। अब स्तूपा क्यों बनाया गया, इसके पीछे एक महापरिनिर्वाण सूत्र की एक कथा है। मैंने आपको सूत्र पिटक का के बारे में बताया था कि 3 तरह के पिटक होते हैं, इनको त्रिपिटक बोलते हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सूत्र पिटक। सूत्र पिटक में जो भगवान उनके उपदेश है या उनकी टीचिंग्स है, इसी में एक चैप्टर है जिसको महापरिनिर्वाण सूत्र बोलते हैं। तो जो महापरिनिर्वाण सूत्र है ये उस समय लिखा गया जब उनकी क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। तो आनंद ने भगवान से पूछा कि भगवान तथागत, मैंने आपको बताया था इनका एक नाम क्या था, तथागत भी था, तथागत आप ये बताएं कि आपके इन अवशेषों का क्या करें। तो उन्होंने कहा इसके बारे में मत सोचो, तुम अपने बारे में सोचो, आत्मदीपो भव, अपना अपना रास्ता खुद बनाओ, इन अवशेषों से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जब आनंद ने बहुत प्रेशराइज किया तो बुद्धा ने कहा कि चौराहों पर जा करके इसका थूहा खड़ा करो, और जो भी आदमी इस स्तूप में आएगा, इस थूहे में आएगा और अपने आप को समर्पित करेगा, इसमें माला फूल चढ़ाएगा, उसको सुख मिलेगा, उसको लाभ मिलेगा। मैंने आपको बताया था ये जो अगर बुद्ध ऐसा कह रहे थे तो ये हमें लगता है बाद में जोड़ी गई चीज है, क्योंकि बुद्ध इस तरह के किसी भी प्रतीक से, किसी भी धर्म से अपने आप को दूर रखते हैं। खैर, अगर बुद्ध का नाम लेकर के कहा गया और इसको सूत्र पिटक में लिखा गया, तो इसी को आधार बनाकर लोगों ने क्या बनाया, स्तूप बनाया, और पूरे देश में स्तूप बन गया। सवाल उठता है हाउ वेयर स्तूपास बिल्ड, आखिर इनको कैसे बनाया गया। तो मैंने आपको बताया था कि स्तूपों को निर्मित करने का एक तरीका था, इनको बनाने के लिए जो बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे इन्होंने क्या दिया था, डोनेशंस दिया था। अभी जो डोनेशंस हैं, ये डोनेशंस को हम लोग एक वोटिव इंस्क्रिप्शंस में देखते हैं, जिसमें डोनीज का जिक्र है और डोनेशंस का भी जिक्र है। डोनीज में राजा, गिल्ड, वैयक्तिक अनुदान और भिक्खु और भिक्खुनियों के अवदान आते हैं। राजाओं में हम लोगों को सातवाहन राजाओं का जिक्र मिलता है, गिल्ड में हम लोगों को एक हाथी का की दांत का काम करने वाली श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जिसने सांची के एक प्रवेश द्वार को बनवाया था। कुछ इंडिविजुअल डोनेशंस मिलते हैं जिसमें वो व्यक्ति कहाँ पर रहता है, उसका व्यवसाय क्या है और उसके रिलेटिव्स क्या हैं, तीनों के बारे में वहां पर जिक्र मिलता है। और कुछ उत्साही भिक्खु और भिक्खुनियों ने भी दान दे करके और इनको बनवाया। एक एनसीईआरटी में आपको एक ये दिया हुआ है, आपका एक वोटिव इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यानी कि दान देने वालों का एक अभिलेख दिया हुआ है, जिस तरह से हमने बताया था कि मंदिरों में रहता है, कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। यही 3 चीजें लिखी होती हैं उसमें, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है इनका, ऑक्यूपेशन क्या है और रिलेटिव क्या है। ये हमको अमरावती से भी मिले हैं, भरूच से भी मिले हैं और सांची से भी मिले हैं जो वोटिव इंस्क्रिप्शन है। वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या होता है, दान देने वाले लोगों का जिक्र जिस इंस्क्रिप्शन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोटिव इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, या दानदाता का अभिलेख बोलते हैं। हम लोग इस पर भी चर्चा कर चुके थे कि जो स्तूपा का स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन सी चीजें दिखाई पड़ती है। तो हम लोगों को उसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंड, हर्मिका, यष्टि और रेलिंग, वेदिका जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो चर्चा ये करनी है कि आखिर स्तूपों की खोज कैसे की गई। 2 स्तूप हमारे सामने हैं, एक सांची का स्तूप और एक अमरावती का स्तूप है। सांची और भरहुत के स्तूप बहुत पुराने हैं और जो अमरावती का स्तूप है वो बहुत बाद का स्तूप है, लेकिन बहुत पुराना स्तूप बचा हुआ है, सांची आज भी है,
मैं देख करके आया हूँ सांची, आपको भी मौका मिले तो देखिए, ये तो चित्र में मैंने आपको दिखाया ही। लेकिन अमरावती का स्तूप खंडहर हो चुका है। सवाल ये उठता है कि अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हो गया, जबकि वो बहुत बाद में बना था, और सांची का स्तूप बहुत पहले का स्तूप है, ये आज तक बचा हुआ क्यों? तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि आखिर इन स्तूपा की खोज कैसे की गई। तो स्तूप है, पहले अगर हम अमरावती की बात करें तो 1796 में पहली बार लोगों को पता चला कि यहाँ पर भी कुछ है। तो वहां के जो स्थानीय राजा थे 1796 में, उन्होंने इन स्तूपों को खुदवाया। उनको ये मालूम नहीं था कि इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको ये लगा कि इसका मैं यूज कर सकता हूँ। उन्होंने अपना मंदिर बनाने में, क्योंकि उसमें से कुछ मूर्तियां निकल रही थी, कुछ हाथी निकल रहा था, कुछ इस तरह की चीजें निकल रही थी, मलबा निकल रहा था, जिसको वो क्या कर सकते थे, मंदिर में प्रयोग कर सकते थे। तो लोकल राजा ने उससे टेम्पल बनवाना शुरू कर दिया। सबसे पहले अगर अमरावती का स्तूप खोजा गया 1796 में खोजा गया, सांची से भी पहले खोजा गया, ध्यान रखना है। एक ऑफिसर हुआ करते थे कॉलिन मैकेंजी, जो कि बहुत बड़े मानचित्रकार थे। इन्होंने इस स्थल को विजिट किया और इन्होंने यहाँ का ड्राइंग क्रिएट किया, इन्होंने यहाँ का मैप बनाया, इन्होंने आगे चल करके विजयनगर साम्राज्य का भी मैप बनाया था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक कमिश्नर थे आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम था वॉल्टर इलियट। इन्होंने 1854 में यहाँ पर विजिट किया और जितने इंपॉर्टेंट मूर्तियां थी, जितने इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स थे, जैसा कि हमने आपको ये दिखाया है, आप देख रहे हैं एक पैनल है, यहाँ पर देखिए तमाम मूर्तियां, पूरा का पूरा पैनल ही उठा ले गए वो, और ले जा करके उन्होंने जो मद्रास है वहां पर उसको ले जा करके रखा। अब चूंकि इलियट उसको लेकर के आए थे, तो ये सारे जो मार्बल्स थे, ये सारे जो स्कल्पचर मूर्तियां थी, इसका नाम इलियट मार्बल रखा गया उन्हीं के नाम पे। सवाल आपसे पूछ सकता है कि इलियट मार्बल क्या होता है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि साहब, जो कमिश्नर साहब थे कहाँ के, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के, वो अमरावती गए थे और वहां से सारी मूर्तियां और उसके पैनल उठा लाए थे मद्रास, और उन्हीं के नाम पर उसका नाम क्या रख दिया गया था, इलियट मार्बल रख दिया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है वॉल्टर इलियट कौन है, तो आप ये बता देंगे वो आंध्र प्रदेश में कमिश्नर थे गुंटूर जिले के 1854 के आसपास। इस तरह से कुछ भी सवाल पूछेगा तो आप बताएंगे सबसे पहले अमरावती स्तूप की खोज कैसे हुई, क्योंकि लोकल राजा ने 1796 में स्थित इसके अवशेषों को खोजा था। इसका नक्शा किसने बनाया था, कॉलिन मैकेंजी ने बनाया था। सच टाइप द क्वेश्चन में भी आस्क्ड। चलिए साहब, अब एक बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिनका नाम था H.H. कोल। H.H. कोल ने ये जो लूट हो रही थी पुराने चीजों की, रिलिक्स की और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजों की, उनकी लूट के पक्ष में नहीं थे। H.H. कोल was against the looting of the original work of ancient art. उन्होंने कहा कि it seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original work of ancient art. उन्होंने कुल मिलाकर इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश शासन की जो नीति है कि पुराना जितना भी सामान मिले उसको लूट ले जाइए, लंदन लेके चले जाइए, कलकत्ता लेके चले जाइए, उसको ले जा करके म्यूजियम में रख दीजिए, बोले ये नहीं होना चाहिए, इससे पुरानी कला नष्ट होती है। उन्होंने कहा अगर आपको यही करना है कि आपको ये पसंद आ रही है, वैल्यूएबल लग रही है, तो आप जो ओरिजिनल है उसको वहीं पर रखिए जहां पर वो है। जो अमरावती के चीजों को उठा उठा करके इलियट ले जाकर उसको इलियट मार्बल का नाम दे रहे हैं, उसको मत ले जाइए, उसको वहीं पर रखिए ओरिजिनल को। और आपको ले जाना है तो जो प्लास्टर कास्ट है उसका, यानी कि जो कार्बन कॉपी है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो बनाया गया, जो उसकी आकृति है, उसको वहां से ले जाइए और ले जाकर के संग्रहालय में रखिए। उनकी जो नीति थी H.H. कोल की, कि ओरिजिनल जो रेलिक्स है, ओरिजिनल जो अवशेष है, ओरिजिनल जो पैनल्स हैं, ओरिजिनल जो मूर्तियां, वो उसी स्थान पर, उस स्थान पर रहे जहां पर हुए, अगर वो अमरावती में तो अमरावती पर में ही रहे, और उनका वहां पर प्रिजर्वेशन किया जाए, संरक्षण किया जाए। और अगर किसी को ले जाना है म्यूजियम में ले जाकर के रखना है, तो उसकी एक अनुकृति बनाई जाए, उसकी कार्बन कॉपी बनाई जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और उसको ले जाकर के रखा जाए। अगर आप लंदन भी ले जाना चाहते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुकृति ले जाइए। ये जो कोल है, ये अमरावती की जब खोजा गया, चूंकि पहले खोज लिया गया था अमरावती, तो उनकी बात अमरावती पर इफेक्टिव नहीं हो पाई। लेकिन चूंकि सांची की खोज बाद में हुई, इसलिए सांची तक आते आते जो कोल के आर्ग्यूमेंट्स थे उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके बचे रहने में H.H. कोल की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और अमरावती के ना बचे रहने में दुर्भाग्य है कि अमरावती H.H. कोल की जो थ्योरी प्रोपोगेट की गई उससे पहले ही खोज लिया गया था। स्थानीय राजा से लेकर के ब्रिटिश ऑफिसर इलियट तक ने उसकी खूब लूट की, और आज वहां पर क्या बचा हुआ है, खंडहर बचा हुआ है। इतना सुंदर जो मतलब स्तूपा था जिसमें मार्बल का प्रयोग किया गया था,
वो आज हम उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो कुछ लंदन में पड़ा हुआ है, कुछ मद्रास में पड़ा हुआ है, कहीं कहीं वो मंदिरों में उसके आकृतियां और मूर्तियां लगा दी गई हैं, तो मिलाकर जो नष्ट हो गया है। हमको ये देखना है कि वाई डिड सांची सर्वाइव, वाई अमरावती डिड नॉट। सांची क्यों बचा रहा और अमरावती क्यों नहीं बचा रहा? तो हमने देखा था कि जो अमरावती के जो रूलर्स थे 1796 में, उन्होंने उसको खोद करके उसके अवशेषों को मंदिर में प्रयोग कर लिया। जो ऑफिसर्स थे उसका सामान उठा ले गए, लेकिन सांची के साथ ऐसा नहीं हुआ। वहां की जो स्थानीय राजा थे, ये कुल मिलाकर के जो सांची है ये मध्य प्रदेश में है, कनखेरा नाम का एक विलेज है वहां पर ये है आपका सांची में, भोपाल से थोड़ा दूर है, उस समय भोपाल में ही आता था। भोपाल में जो बेगम हुआ करती थी, जो नवाब हुआ करते थे, उनकी बेगमें थी शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, उनका नाम याद रखना। एक का नाम था शाहजहां बेगम और एक का नाम था सुल्तान जहां बेगम। इन दोनों लोगों ने बड़ी कोशिश की कि जो सांची का स्तूप है वो बचा रहे, जबकि मुस्लिम थे ये लोग, लेकिन फिर भी जो प्राचीन कलाकृति है उसको बचाने की इनके अंदर एक दूरदृष्टि थी कि इसको बचाना चाहिए, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। तो सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, इन लोगों ने खूब पैसा खर्च किया इसके संरक्षण के लिए। द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। दो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम कौन थे। पहले शाहजहां बेगम थी, उनके बाद सुल्तान जहां बेगम भोपाल के राजा हुए, लोकल राजा, और उन्होंने सांची के संरक्षण के लिए खूब पैसा खर्च किया। उन्होंने एक म्यूजियम भी बनवाया और उसको भी खूब फंड किया, उसमें खूब पैसा दिया। ही फंडेड द गेस्ट हाउस वेयर द जॉन मार्शल लिव्ड एंड रोट द वॉल्यूम्स। उन्होंने एक गेस्ट हाउस को भी फंड किया और जॉन मार्शल को वहां पर बुलाया और उन्होंने कहा कि आप सांची के बारे में कुछ लिखिए। जॉन मार्शल उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, हमने आपको बताया था जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो जॉन मार्शल है उनको तक को बुला लिया, उन पर भी पैसा खर्च किया और उनसे बोला कि आप सांची के बारे में कुछ लिखिए। तो जॉन मार्शल ने दो तीन वॉल्यूम्स लिखा उसमें किताबों का सांची के ऊपर, उसमें से एक वॉल्यूम शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम के को डेडिकेट किया, उनको समर्पित किया। तो ये बताता है उनका जो ये एक ब्रिटिश ऑफिसर जो डेडिकेट कर रहा है पूरी किताब उनके बारे में कि कितना काम शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप को बचाने के लिए किया होगा। तो पहला काम क्या था उनका, उन्होंने इसके संरक्षण के लिए पैसा खर्च किया, एक म्यूजियम बनाया, म्यूजियम को फंड किया ताकि और म्यूजियम में सांची के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उससे इंपॉर्टेंट चित्र है उसको बना करके रखा जा सके। जॉन मार्शल को बुलाया उन्होंने, जॉन मार्शल से कहा कि सांची के बारे में आप कुछ लिखिए। उन्होंने जो जॉन मार्शल ने जो किताबें लिखी सांची के ऊपर उसको पब्लिश करने को, उसको प्रकाशित करने के लिए भी पैसा खर्च किया। तो ये उनका रोल था, किसका रोल था, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का, जो कि वहां के लोकल नवाब हुआ करते थे। अब सांची का जो स्तूप है ये सौभाग्य से जो रेलवे बनाने वाले ठेकेदार थे, क्योंकि उनको मलबा चाहिए होता, उनको तो जहां से मलबा मिलेगा उठाएंगे और ला करके डाल देंगे, उनका पैसा बचेगा। तो जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो मकान बनाने वाले लोग थे जिनको बिल्डर्स कहा जाता है, और ऐसे लोग थे जो कि इसको लूट करके यूरोप ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत वैल्यूएबल समझते थे। जो यहाँ की मूर्तियां निकलती थी और यहाँ के जो पैनल्स निकलते थे, यहाँ के जो अवशेष या रिलिक्स निकलते थे, उनको बड़ा मूल्यवान समझते थे, तो लोग उनको यूरोप लेके चले जाते थे, कोई मद्रास लेके चला जाता था। उनको भी रोकने की कोशिश की, किसने, सुल्तान जहां बेगम ने और शाहजहां बेगम ने। कैसे किया उन्होंने, ओरिजिनल गेटवेज के स्थान पर उसकी क्या बना दी, प्लास्टर कॉपीज बना दी, और जो फ्रेंच और इंग्लिश लोग वहां पर आते थे, जो ऑफिसर्स आते थे, वो उनको वही दे दिया करते थे, उसी से बड़े खुश हो जाते थे और उसको लेकर के चले जाते थे। तो बड़ी कोशिश करके सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने इस पूरे स्तूप को बचा के रखा, लेकिन अमरावती में ये सब चीजें नहीं हो पाई। एक एच एच कोल का नाम भी हमने लिया कि एच एच कोल की जो थ्योरी थी, उनकी जो सिद्धांत था कि जो पुरावशेष हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, जो रिलिक्स हैं, उनको ओरिजिनल स्थान पर रखा जाए और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कास्ट हैं वो दूसरों को दिए जाए ताकि वो अपने साथ उसको ले जा सके। उनकी ये जो थ्योरी थी अब जो है पॉपुलर हो गई थी, इसलिए भी शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम को आसानी हुई अपने चीजों को बचाने की। नहीं तो अगर ब्रिटिश अफसर चाह जाते तो आप उस चीज को रोक करके रख नहीं सकते थे, तो आपको देना ही पड़ता। जो लोग कोहिनूर हीरा लूट करके चले गए हमारे देश से, 200 साल में पूरा देश को लूट करके निपटा दिया पूरा,
ऐसे लोगों से आप ये उम्मीद करें कि वो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि साहब इसको मत ले जाइए और छोड़ दें, ऐसा पॉसिबल है नहीं। लेकिन बड़ी सूझबूझ से, बड़ी समझदारी से सुल्तान जहां बेगम और उनके दूसरा नाम क्या ले रहे थे, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम, इन दोनों की बड़ी समझदारी से ये सांची बचा रहा जबकि अमरावती नहीं बच पाया। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में कि आखिर सांची क्यों बचा रहा, तो आपको ये सारी बातें उसमें 8 पॉइंट्स डालने पड़ेंगे। समझ पा रहा है आप लोगों को? चलिए, अब दूसरा ये है कि अमरावती क्यों नहीं बचा रहा, इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। क्या जवाब देंगे आप लोग? आप लोग ये जवाब देंगे कि पुरानी जो इमारतें थीं उनका जो संरक्षण करना था, उसको वैल्यूएबल मानना था, ये जो समझ थी ये समझ अभी विकसित नहीं हुई थी, और अमरावती की खोज इस समझ के विकसित होने के पहले हो गई थी, ये इसका दुर्भाग्य था। वॉल्टर इलियट जैसे अफसर भी यहाँ का सारा पैनल उठा करके कहाँ लेकर के चले गए, मद्रास, जो ओरिजिनल था, जिसकी वजह से इसको नुकसान हुआ। 1850 आते आते हम देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि कलकत्ता में बना, और उसका जो ऑफिस था वो मद्रास में था और कुछ लंदन में था, इन जगहों पर भी क्या हुआ, यहाँ का सामान उठा के लेकर ले जाया गया। शुरुआत किसने कर दी थी? इलियट ने। इलियट उसको मद्रास ले गए, फिर कुछ लोग उसको लंदन लेके चले गए, फिर कुछ लोग उसको बंगाल और कलकत्ता लेके चले गए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्यों बनी थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बनाने का वजह यह था कि जो भारत की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। सोच उनकी भी वैसी ही थी, लेकिन सुरक्षित उस जगह पर न रखा जाए बल्कि यहाँ पर बंगाल में जो हमने म्यूजियम बनाया हुआ है वहां पर सब चीज ला करके रख दी जाए। तो अब पूरा अमरावती को लूटा गया और ला करके कहाँ रख दिया गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। अब जिस अफसर को अच्छा लगा वो लंदन लेके चला गया, कुछ लोग मद्रास लेके चले गए जैसे वॉल्टर इलियट। तो कुल मिलाकर के लोकल राजा जो थे, लोकल राजाओं ने उससे मंदिर बनवा डाला, और ब्रिटिश ऑफिसर्स लगातार वहां का सामान उठा उठा करके ले जाते रहे। जब उनको रोका जाता था तो कहते थे वॉल्टर इलियट भी तो ले गए हैं, आगे के अफसर भी ले गए, तो हमको भी ले जाना, तो हमको क्यों रोक रहे, उनको क्यों नहीं रोका था, उनको भी मत रोको। तो कुल मिलाकर के अमरावती का ये बड़ा दुर्भाग्य था और रेलवे कॉन्ट्रेक्टर की निगाह में भी आ गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ का मलबा उठा करके उन्होंने रेलवे को बनाने में भी उसका यूज कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमरावती खत्म हो गया जबकि सांची बचा रहा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम कौन थी, सांची को बचाने में उनकी क्या भूमिका थी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सांची क्यों बचा रहा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सांची क्यों बचा रहा और अमरावती क्यों नहीं बचा रहा। तो हमने आपको ये पूरा एलोबोरेट करके बताया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझे होंगे। इस पे कॉपी पे लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्कल्पचर। ये जो स्तूपास थे इसमें बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी, और उन मूर्तियों का हम लोगों को अध्ययन करना है कि आखिर ये मूर्तियां कैसे बनाई गई थी, उन मूर्तियों का महत्व क्या है। अगर हम लोग सामान्य तरीके से इन मूर्तियों का अध्ययन करें जो कि सांची के स्तूपा में, अमरावती में या भरहुत के स्तूप में पाई गई, तो हम लोग को ये लगेगा कि एक पीपल का पेड़ खड़ा हुआ है, हम लोग को ये लगेगा एक चक्र बना हुआ है, हम लोग को ये लगेगा कोई हाथी खड़ा हुआ है, सामान्य निगाहों से अगर हम देखें। लेकिन अगर हम उसके वास्तविक मतलब को समझना चाहें, उसके रियल मीनिंग को अंडरस्टैंड करना चाहें, तो हम लोगों को बुद्ध के साहित्य को पढ़ना पड़ता है। बुद्ध के साहित्य में क्या है? त्रिपिटकाज है, उनको पढ़ना पड़ेगा। और बुद्ध के साहित्य में क्या है? हेजियोग्राफीज है। हेजियोग्राफीज मैंने आपको बताया था, संतों और विद्वानों की जो जीवनियां हैं उनको हमको पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को जातक कथाओं को पढ़ना पड़ेगा। जातक कथाएं क्या होती हैं? जातक का मतलब पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में, दोनों में भाषा में इसका मतलब होता है जन्म। यानी कि जब बुद्ध पैदा हुए उससे पहले भी बुद्ध आ चुके थे, जातक कथाओं में ये कहा गया है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक ग्रंथों में लिखी गई हैं, जिनमें बुद्ध को बहुत सारे जानवरों के रूप में दिखाया गया है कि वो जानवरों के रूप में उनका अवतार हुआ, और अवतार होने के बाद क्या है, उन्होंने बहुत कुछ चेंजेस लाए। उनको हम लोगों ने एक सोर्स पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बुद्ध जो है चांडाल के घर में पैदा हो गए। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? क्या नाम था उस चंडाल का? क्या नाम था चंडाल का, बोलो भाई। नहीं बताओगे? मातंग का नाम सुना क्या आप लोगों ने?
मेरी आवाज आ रही भैया? यस सर। बोलो यार, अगर आवाज आ रही है तो बोलते नहीं हो भैया। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस फॉर्मेलिटी मैं कर रहा हूँ, मैं कर खत्म कर दूंगा, आप लोग भी कहेंगे चलो छुट्टी मिली। बोला करो, जब पूछा करें तो कम तो पूछते तुम नहीं, तो लोग भी कर लेते, थोड़ा मोड़ा पूछेंगे उतने बताया करो भाई। तो इतिहासकार जो इन मूर्तियों को समझने के लिए बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए वो संतों की जीवनियां पढ़ते हैं, जिसको हेजियोग्राफीज कहते हैं। वो लोग जातक कथाओं को पढ़ते हैं। जातक कथा क्या होती है? दे आर द वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लिटरेचर कंसर्निंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। जातक कथाएं एक ऐसी कथाएं हैं जिसमें बहुत भगवान बुद्ध के जीवन पूर्व जन्म की कहानियां हैं, जिसमें भगवान बुद्ध को बहुत सारे मनुष्य और जानवरों के अवतारों के रूप में दिखाया गया है। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तब हम ये बात तब इसका मतलब समझते हैं कि आखिर बुद्धिस्ट जो स्कल्पचर है, यानी कि जो मूर्तियों का जो प्रयोग किया गया स्तूपों में और अन्य जगहों पर, आखिर उसका मतलब क्या है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग इस पेड़ को देखें, जो ये पेड़ बना हुआ है, इस पेड़ का क्या मतलब हम लोग निकालेंगे? तो हम निकालेंगे कि साहब ये जो है एक नॉर्मल पेड़ है। लेकिन अगर हम लोग इसको बुद्ध के जीवन में जाकर के देखेंगे तो हमको क्या लगेगा? अच्छा, ये वो पेड़ है जहां पर बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ होगा? ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हम लोग अगर चक्र को देखें तो हम लोग कहेंगे नॉर्मल चक्र है। लेकिन अगर हम बुद्ध के जीवन को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब शिक्षा देने को किस चीज से दर्शाया गया है। अगर हम लोग स्तूप को देखें, स्तूप का चित्र बना, तो हम लोग कहेंगे तो नॉर्मल बिल्डिंग है। लेकिन स्तूप क्या है? उनके महापरिनिर्वाण से जुड़ा हुआ मामला है। तो भगवान के महापरिनिर्वाण, उनके जन्म, इन सबको दिखाते हैं ये प्रतीक। अगर हमको ये कहानियां नहीं पता है तो हम लोग जो मूर्तियां हैं उनका अर्थ नहीं समझ सकते, तो हमको सामान्य मूर्तियां नजर आएंगी, उसमें कथाएं समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो हमें लगेगा इसमें तो पूरी स्टोरी कही गई है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड चीजें हैं। उदाहरण के लिए हम लोगों को स्तूपा दिखता है, ट्री दिखता है, व्हील दिखता है, एम्पटी सीट नजर आती है। एम्पटी सीट का मतलब रिक्त स्थान। तो खाली उनका पैर दिखाई दे जाएगा, इसका मतलब यह है कि भगवान यहाँ पर क्या बोल गए, बैठ करके इन्होंने ध्यान धारण किया था। स्तूपा दिख गया तो मतलब ये भगवान की महापरिनिर्वाण को दिखाता है। ट्री दिख गया मतलब भगवान को यहाँ से क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष है ये। व्हील हो गया तो यहाँ से इनकी शिक्षा मिली थी। ये मूर्तियों में ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो जो भी इतिहासकार है वो संतों की जीवनियां पढ़ता है, बुद्ध धर्म के साहित्य पढ़ता है, त्रिपिटकों का अध्ययन करता है, जातक कथाओं को पढ़ता है, उसके बाद इन मूर्तियों का मतलब वो समझ पाता है कि आखिर इनमें कौन से प्रतीक जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए एक उत्तरी द्वार है सांची के स्तूप में, जिसमें एक स्टोरी टाइप की पेंटिंग बनी हुई है। जब उस स्टोरी टाइप की पेंटिंग को हम लोग एक जातक को पढ़ते हैं, जिसको लोग वेशांतर जातक बोलते हैं, नाम याद रखना है आपको, एक जातक कथा है वेशांतर जातक, उसको जो हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि एक बड़ी दयालु राजकुमारी है जिसने जो है एक ब्राह्मण को सब कुछ दान करके वो कहाँ चली गई? जंगल में चली गई अपने बच्चों के साथ। तो ये कथा हमको वेशांतर जातक में मिलती है, जिसको कहाँ पर दर्शाया गया है? सांची के स्तूप के उत्तरी द्वार पर दर्शाया गया है। सामान्य रूप से आप देखिएगा तो आपको लगेगा चित्रकार की कल्पना है, लेकिन ये कहाँ से जुड़ी हुई कहानी है? इसके जो प्रतीक लिए गए हैं, इसकी जो कथाएं ली गई हैं और उनको चित्रों में उकेरा गया है, ये लिया गया है वेशांतर जातक से। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जब हम जातक को पढ़ते हैं, जब इतिहासकार त्रिपिटकों का अध्ययन करते हैं, जब वो हेजियोग्राफीज पढ़ते हैं, संतों की जीवनियां पढ़ते हैं, उन आधार पर भी वो पता लगाते हैं कि आखिर ये इसका रियल मीनिंग क्या है। केवल बुद्ध की कहानियां ही नहीं है, बल्कि इन सांची की स्तूपों में, सांची स्तूप का एक दृश्य है जिसमें एक स्त्री है जो कि पेड़ पकड़ के खड़ी हुई है, बड़ी खुश है, बड़ी खूबसूरत लड़की है ये। अगर इसको देखिएगा तो आपको लगेगा सामान्य लड़की है, लेकिन जब संस्कृत साहित्य को पढ़िएगा तो इस तरह की लड़की का वर्णन शाल भंजिका के रूप में किया गया है। इसको शाल भंजिका कहा गया है। कौन है शाल भंजिका? दिस वॉज अ वुमन हुज टच कॉज्ड ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट। यानी कि एक ऐसी लड़की है कि अगर किसी पेड़ को छू दे तो वो उस पेड़ में खूब फल लग जाते हैं, खूब फूल आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इट्स एन ऑस्पिशियस सिंबल। ये लड़की एक ऑस्पिशियस सिंबल है, मतलब एक मांगलिक इसका वो है, बड़ा पवित्र एक ये सिंबल है जो कि धन धान्य परिपूर्ण और किसी स्त्री के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं शाल भंजिका को जो अपनाया गया बुद्ध मूर्तियों मूर्तिकला में, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन तो है नहीं, ये नॉन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है। अब सवाल ये उठता है कि नॉन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन आखिर कैसे दिखाई पड़ता है बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स में, यानी कि बुद्धियों बुद्ध की मूर्तिकला में हमको
ऐसे चित्रों का उपयोग या ऐसी मूर्तियों का उपयोग क्यों दिखता है जो कि बुद्ध से की कहानियों से जुड़े हुए ही नहीं है। तो आपको ये पता होगा कि जो ये समय था बुद्ध का काल, इस समय लगभग 64 संप्रदाय हुआ करते थे अलग अलग। हम लोगों ने मखलीपुत्र गोशाल के बारे में हमने आपको बताया था, हमने आपको अजित केश कमलिन के बारे में बताया था, भगवान बुद्ध ही है, महावीर ही है, ऐसे ऐसे करके 64 संप्रदाय थे, 64 विचार थे। ये 64 64 विचार के जो बड़े बड़े स्कॉलर से विद्वान हुआ करते थे, उदाहरण के लिए जैसे महावीर है, जैसे बुद्ध है, जैसे अजित केश कमलिन है, ये लोग आपस में वाद विवाद करते थे। और जब वाद विवाद क्या करते थे, तो ये लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और वाद विवाद के बाद जो गुरु जीत जाता था तो दूसरे का फॉलोअर अनुयायी उसको छोड़ करके जीते वाले के पास चला आता था, तो उनकी संख्या बढ़ती चली जाती थी। अब बुद्ध ने चूंकि बहुत सफलता प्राप्त की और अपने धर्म दर्शन से लोगों को खूब प्रभावित किया, तो उनकी जो फैन फॉलोइंग्स थी, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो खूब बढ़ गए। अब जब खूब बढ़े तो बुद्ध हिट हो गए, बाकी लोग उतने हिट नहीं हो पाए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले लोग भी बुद्ध के साथ जुड़ गए, लेकिन वो जो बचपन से पले बढ़े थे, वो तो दूसरे संस्कारों में पले बढ़े थे। तो उन्होंने जब यहाँ पर आए तो अपनी जो ज्ञान था, उनको जो अपनी कहानी उन्होंने सुनी थी, उसको भी बुद्ध धर्म के साथ एसोसिएट कर दिया। तो जब दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति या दूसरे धर्म का व्यक्ति या दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में आता है, तो अपने गुणों को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को दूसरे को देता है और दूसरे से उसके संस्कार संस्कृतियों को लेता है। इस प्रोसेस को मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ, एकल्चरेशन कहते हैं। एकल्चरेशन का मतलब होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे, सांस्कृतिकरण। तो ये जो पर संस्कृतिकरण है, जो एकल्चरेशन है, दूसरे की संस्कृति को स्वीकार करना, अपनी संस्कृति को उसको देना, तो ये जो शाल भंजिका है वो उसका प्रतीक है। तो या ये नॉन बुद्धिस्ट कल्चर है, क्यों आ गया, क्योंकि बहुत सारे दूसरे धर्म के अनुयायी भी बुद्ध के फॉलोअर्स हो गए, उन्होंने अपने जो धारणाएं थी, अपनी जो कला थी, उसको भी यहाँ पर प्रयोग किया। इसी तरह का चित्र हमको और भी दिखाई पड़ता है, हाथी का चित्र दिखता है, ये बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म से कैसे जुड़ा हुआ है, इंद्र का ये वो है, क्या है, वाहन है, इसको एरावत हाथी बोलते हैं। हाथी हमारे यहाँ वर्षा से जुड़ा हुआ है, हाथी हमारे यहाँ हर मांगलिक कार्यों में प्रयोग होता है, हर मंदिर के सामने आपको क्या दिखाई पड़ेगा, हाथी दिखाई पड़ेगा। तो एलिफेंट का महत्व जो है पौराणिक कथाओं में बहुत ज्यादा है, यानी कि जो इसको हम शाश्वत धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं। अब बौद्ध धर्म में कहाँ से आ गया, इन्हीं लोगों से आया। अब जो एलिफेंट है ये बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि जो स्कल्पचर्स हमको दिखते हैं वो ये एनिमल्स जातक कथाओं से भी लिए गए हैं, बुद्ध की जीवनियों से भी लिए गए हैं, और जो गैर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उनके भी जो रिलीजन था, उनका भी जो संप्रदाय, तो उसमें भी हाथी का बड़ा उपयोग होता था या अन्य जानवरों का, उसको भी हम लोग सांची की मूर्तिकला में देखते हैं। इसी तरह से हम लोगों को सांची में सांप का चित्र दिखाई पड़ता है, तो ये सांप कहाँ से आ गया, देखिए सांप भगवान शंकर के गले में रहता है, सपेरे लोग सांप की पूजा करते हैं, तो जो सपेरे लोगों का जो परंपरा, जो लोक परंपरा है, जो स्थानीय परंपरा है, उस परंपरा को भी बुद्ध धर्म में स्वीकार कर लिया गया। कैसे स्वीकार कर लिया गया, इस कम्युनिटी का कोई आदमी बुद्धिस्ट हो गया होगा। गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी का मतलब क्या हुआ, दो हाथी हैं और एक लड़की है, एक देवी है, उसके ऊपर क्या छिड़क रहे हैं, फूल माला पानी छिड़क रहे हैं, इसको गजलक्ष्मी कहता है। ये भी किस चीज से जुड़ी हुई है, ये पौराणिक धर्म से यानी ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस गजलक्ष्मी का भी हमको चित्र दिखाई पड़ता है सांची के स्तूपा में। ये सब कहाँ से आ गया, ये सब आ गया प्रोसेस ऑफ एकल्चरेशन से, यानी कि पर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से। ये जो नॉन बुद्धिस्ट चीजें हैं ये क्या हुई, बुद्ध धर्म में आकर के शामिल हुई, जिनको हम लोग यहाँ की मूर्तिकला में देखते हैं, सांची की मूर्तिकला में भी, अमरावती की मूर्तिकला में भी और भरहुत की मूर्तिकला में भी हमको ये नजर आती है। पर संस्कृतिकरण क्या है, दूसरी संस्कृति और समुदाय के लोग जब किसी दूसरी संस्कृति के साथ मिलते हैं तो अपनी संस्कृतियों को दूसरी संस्कृतियों में मिला देते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग प्रसंस्कृतिकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये सब कहानियां यहाँ पर पूरी होती हैं। तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, कल हम लोग एक नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे।